लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना नंद के साथ-साथ जलन भी होता है साथ-साथ तो दो प्रोजेक्ट्स हैं और दोनों में एज इन बीइंग एन एक्टर दोनों का ड्राफ्ट बिल्कुल ही अलग है वो बिल्कुल एक्सट्रीम है और एक बिल्कुल एक इनोसेंट है तो वो जो कॉम्बिनेशन है आई एम लविंग इट लोग जो मुझे गालियां भी देते हैं और सब प्यार भी करते हैं आई एम जस्ट लविंग इट इट्स अ लव एंड हेट रिलेशनशिप हाय लड़कियों से बात हाँ नहीं गालियाँ और प्यार की आप बात करें तो हमने देखा कि दोनों ड्रामों के एर्वीर्ट बहुत मिक्स रिव्यूज़ हैं जलन uh, में बहनोई और साली के तलक़ा के हवाले से और नंद जब टीजर्स गए तो लोग कहते कि यार ये क्या चीज़ें हर वक्त स्मॉल स्क्रीन पर हम यही देखते हैं तो आपका क्या, क्या टेक था इस पर जब ये सब रिव्यूज़ अच्छा जलन का मैं अभी भी यही कहूँगी लोगों ने उसको बेसिकली इट्स नॉट अबाउट साली और बहनोई लोगों ने उसे बना दिया है कि वो साली और बहनोई का था बेसिकली इट्स अबाउट अ गर्ल हु इन लाइफ अभी जैसे जैसे आप लोग देख रहे हैं जुर्न को जो लोग फॉलो कर रहे हैं उसकी जो स्टोरी डेवलप हो रही है ना वो लोगों को समझ आ रहा है साली और बहनोई वो मसला ही कुछ और था उसकी नींद ही कुछ और थी जिस लड़की के सर पे बाप और भाई का साया मौजूद नहीं होता ना वो रास्ते में पड़े पत्थर की तरह होती है जिसकी मर्जी ठोकर मारते गुजर नन में भी अगेन Uh, जब मैं दोनों को कंपेयर करती हूँ तो नन जैसे जो राबी है मासूम है उस तरह के मैंने बहुत से कैरेक्टर्स पहले भी किए हैं रोने धोने वाले और सिंपटीज़ वाले और यू नो चुप रहने वाले जब निशा एक कम्प्लीटली आउट स्पोकन लड़की है मतलब अभी आप देख रहे हैं हमारे टी वी पर इतने सारे ड्रामाज हैं बट नो बदी कैन बीट निशा राइट नाउ निशा के लिए मुझे बहुत नेगेटिव रिस्पांस भी मिलता है लेकिन आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली बिकॉज दैट वॉज ओनली अ कैरेक्टर दैट आई दैट डिड यू के इस तरह का कोई रिस्पॉन्स आ सकता है या अब जो हम पैमरा का देख रहे हैं कि वो बैन को लेके उनके मामला में मैं तो पैमरा का सोचा भी नहीं था दूर दूर तक नहीं सोचा था पैमरा सुनती थी लेकिन ये नहीं बता था पैमरा मेरे पीछे आ जाएगा <laughs> जलन के पीछे तो <laughs> ठीक so, uh, है uh, uh, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं बट uh, मुझे डर भी बहुत लगा पैमरा ने जब उसे बैन किया तो मुझे ये था कि यार इट्स नॉट अबाउट मी ओनली इट्स अ प्रोडक्ट एक प्रोजेक्ट है वो एक प्रोडक्ट है जो सबने मिल तैयार किया है उसमें कास्ट भी होती है क्रू भी होता है डायरेक्टर राइटर प्रोडक्शन है सब चीज़ें मिक्स होती हैं सो so, वो सिर्फ मेरे लिए बुरा नहीं होगा कि वो बैन होकर बंद हो जाए या मेरे लिए कुछ नहीं है मुझे अफसोस रहेगा कि यार वो uh, उस चीज़ को आप लोगों ने इतना ग्रो होने का टाइम ही नहीं दिया आपने उससे पहले ही उसको हावी कर दिया अभी भी मैं जो सीन्स देखती हूँ आप लोग जलन देख रहे हैं जलन में बहुत बहुत इंटेंस सीन्स हैं बहुत लड़ाई झगड़े उस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी बट आई डोंट सी दो सीन्स ऑन स्क्रीन नाउ बिकॉज वो कट हो जाते हैं आने से पहले ही क्योंकि अब ऑब्वियसली चीज़ें हैं सेंसर के इशूज़ होते हैं इट मेक्स मी वेरी सैड टू कि uh, आपकी ऑन चीज़ को बैन नहीं करना चाहिए सो so, आप ऑडियंस के हाथ में नहीं दे सकते बैनिंग ठीक है उनके पास ये राइट होना चाहिए कि वो देखें या ना देखें जनरली अगर पूछें जब कोई कैरेक्टर ऑफर होता है तो क्या चीज़ें आप देखती हैं कि कितना मार्जिन आपके पास है या फैंस इसको कैसे रिसीव करेंगे मुझे लगता है कि मेरे पास कितना मार्जिन है अगर मैं काम अच्छा कर रही हूँ तो मेरे पास वो पावर है कि मैं लोगों को बिठा के अपनी एक्टिंग दिखा सकती हूँ ठीक है तो मुझे ये होता है कि पहले मुझे पसंद आना चाहिए मैं कम्फर्ट com, मेरा कंफर्ट लेवल है उस उस प्रोजेक्ट में सो आई सी द डायरेक्टर स्क्रिप्ट सबसे पहले नॉट इवन द डायरेक्टर पहले स्क्रिप्ट आपके पास अच्छा होना चाहिए स्क्रिप्ट अच्छा एक एक्टर के पास एक अगर एक्टर है उसके पास स्क्रिप्ट अच्छा है तो वो किसी भी किस्म की एक्टिंग कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो है ही एक्टर इंडस्ट्री में कोई डिस्क्रिमिनेशन आपने ऑब्जर्व की क्योंकि एक हम्बल बैकग्राउंड से आप आती हैं और शायद आपकी यू नो ख़ानदान में अगर हम देखें तो ये इस फील्ड से कोई एसोसिएशन नहीं है तो कोई डिस्क्रिमिनेशन इस वजह से या अदरवाइज एज वेल डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं बिकॉज uh, जो आपको uh, जितने भी हमारे एक्टर्स हैं जो भी बड़े एक्टर्स हैं और जो भी नए एक्टर्स हैं दे वर्किंग हार्ड दे वर्क हार्ड एंड आई वर्क रियली हार्ड वे मतलब मैं जब अभी यहाँ पर हूँ आपके सामने इंटरव्यू हम कर रहे हैं सो इट्स इट्स नॉट मेहनत दो साल की या एक साल की ये मेरी बचपन की मेहनत है जो मुझे आज यहाँ पर लेकर आई है सो आई थिंक आई earned it, आई वर्क फॉर it, एंड आई एम वर्किंग फॉर इट आई एम यू नो वर्क हार्ड फॉर इट स्पीकिंग ऑफ सोशल मीडिया आपका और एमन का एक बहुत ही स्ट्रांग प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे। कैसे मैनेज करते हैं आप लोग कैसे मैनेज करते हैं सोशल मीडिया जब सोशल uh, मीडिया पे आप Instagram आजकल हमने जब इंस्टाग्राम एमन एम मैंने बनाया था तो वो हमने ऐसे नहीं बनाया था कि एक दिन आएगा इंस्टाग्राम पे और मेरी बहन एमन खान मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी ऑफ पाकिस्तान बन जाएगी वी डिल नो आई थिंक नो बडी न्यू इट वॉज़ कमिंग तो हमने वैसे ही मजाक मस्ती में अपना शुरू किया और यू नो पीपल जस्ट लव अस मुझे ये लगता है कि इट्स नॉट कि फैन फॉलोइंग कितनी है और दूसरों से क्या कंपटीशन है और ऐमन एम ए कितना फेमस है सोशल मीडिया पे मैं जिससे भी मिलती हूँ ये लोग हमें सब लोग ये कहते हैं कि पीपल लव डिफरेंटली बहुत सारे सेलिब्रिटीज को लगता है कि एक प्रेशर है टू कीप अप आप मैनेज कैसे करते हो नहीं मुझे बिल्कुल प्रेशर नहीं लगता मुझे आ, मुझे लगता है मैं बस वो चीज़ें लोगों के साथ शेयर करूँ जो मुझे अच्छा लगता है और अगर अब ये मेरे लिए काम ही बन गया है तो मेरा थोड़ा वर्क रिलेटेड ही मेरा सब चीजें चलनी चाहिए मैं का मैं, मैं उस पर मैंने देखा है बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो लोग बहुत एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे होते हैं मैं वो नहीं कर सकती या आई विल लकी सोशल मीडिया की बात करें और बैशिंग ना हो ये तो हो नहीं सकता <laughs> और हमने अक्सर बैशिंग लोगों के कॉमेंट्स देखे आप लोगों की पोस्ट पर आपकी हो ईमन की हो इवन ज्वाइंट पोस्ट हो ऐमन और मेरे कॉमेंट्स अगर आप लोग उन्हें देखे हों तो हमेशा ऐम मेरे बारे में लोग अच्छी बात लिखते हैं और प्यारी बात लिखते हैं प्यार कर रहे होते हैं प्यार नो आपको आपको प्यार सेंड कर रहे होते हैं बाय कमेंट्स बाकी नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं बट नेगेटिव चीज़ों को भी आपको पॉजिटिव लेना चाहिए मुझे ये लगता है कि आपको देर देर आर ऑलविज टू वेज नेगेटिव एंड पॉजिटिव बट आई वॉन्ट टू टेक सोशल मीडिया पॉजिटिवली अगर आप एक पब्लिक फिगर हो और आपका एक पब्लिक अकाउंट है तो वहाँ आप लोगों को शटअप कॉल नहीं दे सकते कि आप ना लिखें यहाँ पर आके फिर फ़ायदा ही क्या है आप प्राइवेट अकाउंट्स बनाएं जहाँ आप, आप लोगों में आप जब लोगों से तारीफ सुन सकते हैं ना तो लोगों से बुराई सुनने का भी आपके पास इतना इतना आपके पास जर्फ होना चाहिए कि आप उसे एक्सेप्ट कर सकें एंड आई एक्सेप्टेड अभी जलन के बाद मुझे आपको अंदाज़ा भी नहीं है मुझे जो जो बातें सुनने को मिलती हैं मुझे आंटीज़ डांट देती हैं खड़े खड़े बाहर मैं कहीं किसी से मिलूँ किसी शॉप पर खड़ी हूँ कुछ हूँ तो औरतें मुझसे बकायदा लड़ना शुरू हो जाती हैं लोगों को लगता है मैं शायद असली में ऐसी हूँ तो <laughs> का, मैंने वो कहा मैंने कहा आंटी अब मुझे क्यों डांट रही है मेरी क्या गलती है इट वॉज जस्ट अ कैरेक्टर तो कहती नहीं नहीं फिर भी आपको इस तरह से कैरेक्टराइजिंग नहीं करनी चाहिए मैंने कहा यार फिर किस तरह से करने चाहिए आप लोग कहते हैं कि रोती रहती हैं रोती रहती हैं रोती रहती हैं आप जहाँ रुला रहे हैं वहां भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा लोगों में तो पीपल आर नेवर हैप्पी एक अगर आप कैरेक्टर्स के ऊपर आते हैं तो वो एक अलग सी चीज है वो तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कोई बात नहीं नशा को गालियां पढ़नी है आई आई एम एम विनिंग विनिंग देख रहे हैं तो गालियां दे हाँ, रहे हैं हाँ, हाँ, हाँ लेकिन हाँ, पर्सनल लेवल पर नहीं पढ़ती गालियां शुक्र अल्लाह का इतनी इज्जत है आप और एमन डिस्कस करते होंगे ये सोशल मीडिया का जो पूरा गेम है कोई ऐसा इंटरेस्टिंग आप लोगों की कोई ऐसी कौन्विजेशन? एमन और मेरी हाँ, अभी एमन ने एक पिक्चर अपलोड की उसके ऊपर एमन ने हाज टाक किया वेडिंग बेल्स सबको लगा मेरी शादी है सब ने मुझे फोन करना शुरू कर दिए कि तुम्हारी शादी हो रही है हमें नहीं बुलाया मैंने कहा नहीं हो रही होगी तो मैं बताऊंगी तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं बट it's always fun to share your life with people because they love it and maybe that's why they love us so much because we apna jo hamari personal life hai hum uske saath share karte hain hum waise hi hain jaise hain